नमस्कार जी, अभी हम आपको बताएंगे टेनिस एल्बो कोनी के दर्द का ट्रीटमेंट। बहुत ही आसान है, घर पे आप आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। टेनिस एल्बो ज्यादातर इसमें पेन हो जाती है कोनी में, तो उसका कारण तो बहुत सारे और भी हो सकते हैं। ज्यादातर कारण जैसे टेनिस खेलने वाले, रैकेट खेलने वाले या फिर कारपेंटर्स होते हैं और कंप्यूटर पे ज्यादातर काम करने से भी, और प्रिंटर होते हैं इन लोग, जैसे कि इसका यूज ओवर यूज हो जाता है ना इस चीज का, तो काम डेली इसी से करना होता है, तो उसकी वजह से कोनी का दर्द हो जाता है, तो ये काफी पेनफुल रहता है। तो इसका ट्रीटमेंट बताते हैं, बहुत आसान है। ये देखिए इधर आ गया, ये देखिए इस तरह से हम पेशेंट को लटाएंगे, इस तरह से 90 डिग्री उनका इस तरह से हम हाथ पकड़ेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ये कोनी के इधर थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे। ये देखिए दोबारा देखिए, यहाँ पे प्रेशर डालेंगे इस तरह से, और इस बाजू को हल्का सा ऊपर को खींचेंगे इस तरह से। आप यहां से भी पकड़ सकते हैं, ये देखिए, और यहां से भी हल्का सा खिंचाव रखना है ऊपर की तरफ। इसको 90 सेकंड के लिए हम यहां पर होल्ड रखेंगे, ठीक है। 90 सेकंड के लिए इसी एंगल में हमें इसको होल्ड रखना है, और ये आप डेली कीजिएगा, दिन में 3 बार भी 4 बार भी कीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका, तो इसमें काफी आपको राहत मिलेगी पेन में। इसके बाद इनको इस तरह से मल दीजिएगा हाथ से, ये देखिए। तो एक एक्सरसाइज बताती हूँ आपको मैं, इधर देखिए, इस तरह से आप अपने हाथ को यहां से इस तरह से प्रेस करेंगे, ठीक है। ये 30 सेकंड के लिए होल्ड रखेंगे, ठीक है, फिर से 30 सेकंड के लिए होल्ड रखेंगे, इसके 3 सेट बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसी तरह से अपने हाथ को इस तरह से उल्टे में, इस तरह पहले सीधे में पकड़ा, फिर उल्टे में इस तरह से पकड़ेंगे, मोड़ेंगे, ये भी 30 सेकंड के लिए होल्ड रखेंगे, इसके भी 3 सेट बनाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये एक्सरसाइज से आपको जरूर लाभ मिलेगा। नमस्कार।